बस्ती कर देंगे, पृष्ठ बस्ती कर देंगे, लीच लगा देंगे, सब 7 दिन के अंदर पूरा प्रोग्रामिंग करके कई चीजें करनी पड़ती है जी। जिनको दर्दे हैं वो लीच जरूर करें जी, बस्ती जरूर ले, बस्ती तो ले रहे हम लोग, एकोपंचर बस्ती। हाँ। ये तुरंत ये दर्द को ना एक बार निकालने के बाद फिर योग करते रहेंगे तो आएगा ही नहीं, एक बार वो नीचे चला जाएगा। पंचकर्मा भी हम लोग ले रहे हैं यहाँ। हाँ, पर पूरा ठीक हो जाएगा। चलो आपका आशीर्वाद चाहिए बस स्वामी जी। ओम स्वामी जी। चलो कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहो। मेरा नाम अखिलेश है, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। स्वामी जी मुझे पिछले अगस्त में कोरोना हो गया था, तो डॉक्टरों ने जो दवाइयाँ दिया उससे पेट इतना प्रॉब्लम हो गया, पेट में दिक्कत हो गया, इसके वजह से मेरे आँखों में कंटिन्यू जलन रहता। अभी मैं बोला था ना, पेट की गड़बड़ी से आँख की गड़बड़ी होती है, तो लाइव एग्जांपल है जी। पेट से बहुत तकलीफ होता था, आँखों में पड़ने में भी तकलीफ होता था, कंटिन्यू पानी बहता था। यहाँ पे स्वामी जी आई वॉश किया, आई ग्री टैबलेट लिया यहाँ के डॉक्टर साहब ने दिया, और रोज अनुलोम विलोम करता हूँ, भ्रामरी करता हूँ, उससे बहुत फायदा मिला है। अभी आँखों से जलन भी नहीं होता है, पानी भी नहीं बहता, और पेट भी पूरा ठीक हो गया है। क्या बात, आई एम टोटली हैप्पी नाउ, थैंक यू सो मच बाबा जी। स्वामी जी ओम। ओम बेटा, अब कितनी दूर से दिखता हूँ मैं? पीछे की तरफ से, मतलब पीछे से पूरा। वहाँ से भी? हाँ वहाँ से दिख जाता है, धुंधले धुंधले धुंधला धुंधला इसको कम से कम दिखने लग गया। और ये समस्या कब से थी बेटा? पैदाइशी। पैदाइशी की समस्या थी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बेटा? 9th class। ये 9th class में पढ़ रहा है, कल ही मेरे से मिला। कितने दिन हो गए यहाँ उपचार चलते? 8-9 दिन हो गए। पहले तो 15 दिन रहे थे हम, 4 महीने पहले आए थे। 4 महीने पहले आया था, अब 8-9 दिन अभी फिर हो गया। तो मैंने कहा बेटा तुम हर महीने सैटरडे संडे को जब तुम्हारी छुट्टी होती है एक बार मिलके चले जाना, तुम्हारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अब इसको आई ग्रिट बस्ती, आँखों के लिए बस्ती देते हैं एनस से, आई ग्रिट औषधि देते हैं। और अनुलोम विलोम कितनी देर करता है बेटा? पूरा पूरा दिन कर लेता हूँ। पूरा पूरा दिन कर लेता है, लगा रहता है, है? अपनी माँ को देना। स्वामी जी ओम। ओम बेटा। पहले इसको दिखता नहीं था स्वामी जी, बहुत मतलब ऐसे दिखता था, 2-3 मीटर का दिखता था बस। और अब आपको देख रहा है, पहले इसकी आंखों में आंसू भी नहीं आते थे, और अब इसकी आंखों से पानी बहता है। अब आंखों से आंसू भी आने लग गए, मीन्स आंखों में सक्रियता चालू हो गई, नहीं तो आंखें सूख गई थी। हाँ जी। नसें सूख गई थी, आंखें भी सूख गई थी, ड्राई आईज भी हो गई थी, और अंदर से उनकी आंखों की चेतना ही और जन्मजात। ऐसे बच्चों में अब वो वहां से बैठ करके धुंधला धुंधला अब इसको मैं दिखने लग गया, अब ये लगा रहेगा, इसको लगन लग गई है। तो अब ये अनुभव का ये अनुभव लोगों को प्रेरणा देता है कि भाई तुम चाहे जन्मजात कोई रोग हो उससे भी तुम मुक्त हो सकते हो। क्या नाम है बहन तुम्हारा? अर्चना त्यागी। तो अर्चना ऐसे ही योग की अर्चना करती रहो जी स्वामी जी। आपका आशीर्वाद बना रहे, ठीक हो जाए। हाँ, बहुत खुश था ये कल बालक अनुभव। तो चलो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है और प्रार्थना इस बालक के ओम लिए। स्वामी जी ओम। स्वामी जी ओम। ओम बेटा ओम। खुश रहो बेटा। तो ये बहुत खुश था कल बाबा जी। ओम। चरण स्पर्श। 2004 से पतंजलि योग समिति रोहिणी दिल्ली से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से। 2009 में योग शिक्षा ली थी आपसे जी। 35 साल पहले मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, माथे में चोट लगी थी, तो बाई आंख में काफ़ी वीकनेस आ गई थी, 3.5 सिलेंडर चश्मा लगाने लग गया था। ओहो। तो अभी अनुलोम विलोम कपाल भाती और दृष्टि डालते हुए काफ़ी कुछ ठीक हो गया, चश्मे सब फेल हो गए लगभग, सब उतर गए। सब उतर गए जी, आप नाम मात्र का ये चल जाता है काम। चलो बहुत आशीर्वाद। ये अनुभव है दूसरों के, जब ऐसे हम लाइव एग्जांपल देखते हैं तो उससे इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि इनको ये हो सकता है तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता। पीछे वाले भाई को देना गोमुखासन। स्वामी जी मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने बोला था कि आप प्राणायाम मत करना त्राटक भी। मैंने करीब 15 दिन बाद त्राटक भी शुरू कर दिया, प्राणायाम भी धीरे धीरे, अनुलोम विलोम छोड़ के, तो एकदम से आंखों में रोशनी भी आने लगी और दिखने भी लग गया। क्या हो गया था?
मेजर ऑपरेशन हुआ था। ओहो, तो डॉक्टर ने मना किया था, मैंने शुरू कर दिया 15 दिन बाद। 15 दिन बाद त्राटक भी और? त्राटक भी और अनुलोम विलोम छोड़ के सारे प्राणायाम शुरू कर दिए। कपाल भाती छोड़ के? सॉरी, कपाल भाती। कपाल भाती पे थोड़ा आंखों पर प्रेशर आता है, धीरे धीरे किया। अनुलोम विलोम कितनी देर करते थे? करीब 1 घंटा। 1 घंटा तो आंखों की रोशनी कितनी चली गई थी? मतलब वो ऑपरेशन के बाद एकदम धुंधला दिखाई दे रहा था, और डबल भी कुछ कुछ दिखाई दे रहा था, डबल विजन टाइप का। ओहो हो, अब एकदम साफ दिखता है? अब साफ दिखता है। कितनी उम्र है? मेरी 69। 69 की उम्र में देखो आंखों की रोशनी पाली नहीं तो बोले आंख गई तो संसार ही गया। पहली शुरुआत वो कहाँ गया अब? बाबा जी वो मैंने भी शुरू कर दी दृष्टि, आपको टीवी में देख के देखा दृष्टि, आपने बताया। हाँ, वो मैंने दृष्टि बताई थी, उसी समय डालनी शुरू कर दी। तो बाबा जी 2 साल के बाद मैं ग्लूकोमा ठीक हो गया, 2 नंबर कम हो गए आंखों के, और चश्मा पास का उतर गया। पास का चश्मा उतर गया, दूर का 2 नंबर कम हो गया, दूर का भी 2 नंबर कम हो गया, ग्लूकोमा ठीक हो गया, नहीं तो अभी तक ये ऐसे टुकड़ टुकड़ देखता बैठा बैठा अंधा हो जाता अभी तक तो ग्लूकोमा से। ये तो बहुत बीमारियां ठीक की इसने, 25 साल पुराना अस्थमा भी ठीक करेगा जी, 45 साल पुराना। 45 साल पुराना, उम्र कितनी आपकी? 66 साल, 66। वो बचपन में हो गया था अस्थमा, 45 साल पुराना अस्थमा, उसके लिए इनहेलर गोलियां दवाइयां ठोक बहुत खाए बाप जी, बहुत स्टेरॉइड भी बहुत खाए, खूब गया 30 साल के लिए, आज साथ लेके आया ऊपर लेता नहीं, 4 साल हो गए। मैं लग रहा है कहीं कोई इमरजेंसी आ जाए तो मैं कहीं जरूरत पड़ जाए, तो उम्र तो ठीक कर लिया पूरा 30 साल का। पैसा से तुम्हें सामान मिलता है, संसाधन मिलते हैं दुनिया के, पुण्य से तुम्हें जीवन में सुख मिलता है, शांति मिलती है, और अदृष्ट लाभ मिलता है। कहते हैं ये कैसे हो गया जीवन में? जैसे पतंजलि योगपीठ, ये पूरे संसार में योग का प्रचार, आयुर्वेद का प्रचार, सनातन संस्कृति का प्रचार, सारे संसार का उद्धार हो गया, ये पुण्य का परिणाम है, पैसे का परिणाम नहीं। पैसे तो हमारे पास थे नहीं, पैसे तो बाद में आए। हमें जी 12 साल पहले ग्लूकोमा की शुरुआत हो गई थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 21 से ऊपर जाएगा टेंशन आपका, तो दवाई शुरू करनी पड़ेगी आपको। तो स्वामी जी उन्हीं दिनों में मैंने आपके टीवी पे देखा था 12 साल पहले कि दृष्टि आए तो आपके लिए, आप बता रहे थे ग्लूकोमा कैटरेक्ट के लिए और चश्मा उतारने के लिए, वो डालनी शुरू कर दी, और 3-3 महीने डॉक्टर साहब मुझे बुलाते थे चेक करने के लिए। तो स्वामी जी 6 और 9 महीने में होते होते टेंशन कम होने लग गया, और 1 साल में बिल्कुल ठीक हो गया। प्रेशर बढ़ जाता आँख में, इसी को ग्लूकोमा कहते हैं। तो गंगेंद्र भाई को प्रेशर कम हो गया, और अब कितने दिन से ठीक आंखें? अब तो 12 साल पूरे हो गए। अब 12 साल पहले की बात, 15 साल से लगातार डाल रहा हूँ दृष्टि आई ड्रॉप, लगातार डाल रहा हूँ 15 साल से। कभी बंद नहीं करता, कभी भी उसको लगातार डालता हूँ, 15 साल हो गए पूरे। जब ये सबसे बड़ा एग्जांपल है दृष्टि आई ड्रॉप, लगातार डाल रहा हूँ, शुरू में बताया था। क्या बात है, चलो बहुत आशीर्वाद। कपाल भाते, अनुलोम विलोम, भ्रामरि उद्गीति, ये 5 जरूरी है जी बहन। अमरावती से हूँ, मेरा नाम कल्पना बैतुले है, मुझे 15 साल से डायबिटीज और बीपी है, उसकी वजह से मेरे आँख में प्रॉब्लम आया था। अरे राम, डायबिटीज भी लंबे समय तक रहता था, आँखों को खराब करता है, कंटिन्यू उससे पानी गिरता था, और खुजली बहुत होती थी। मैं LIC ऑफिस में जॉब करती हूँ, तो मुझे काम करने में बहुत दिक्कत आती थी। मैं सौम्य ड्रॉप डालती रही, और यहाँ आके मैंने आई वॉश किया, आई वॉश से मुझे बहुत फायदा हुआ, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और मेरा डायबिटीज भी कंट्रोल हो गया, बीपी भी नॉर्मल। ये बड़ी बात है, डायबिटीज के कारण से बहुत लोगों को ये गड़बड़ होता है, पूरा आंखें चली जाती हैं, कुछ लोग तो अंधे ही हो जाते हैं, 2% लोग अंधे हो जाते हैं, 80% लोगों को आंखों की कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज, इसको रेटिनोपैथी कहते हैं, वो ठीक कर लिया था। ये मेरा बेटा है। हाँ बेटा, क्या नाम है माता? किरण। किरण कहाँ से आई हूँ? कहाँ से? सूरत, गुजरात। क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या ठीक किया? मेरे आंखों में बहुत खुजली होती थी, घाव हो जाते थे। ओहो, उसके बाद है ना वो ये आपके आसन किए और आई दृष्टि डाला, इंजेक्शन भी बहुत लगे थे, इंजेक्शन भी बहुत लगे थे आंखों में। किसके लिए इंजेक्शन लगाए थे? ये आंखों में खुजली आती थी, खाज हो ये घाव हो जाते, इसलिए दोनों साइड में लगते थे। फिर अब कब से बंद हो गए? अभी काफी टाइम हो गया, 3-4 साल। ये दृष्टि आई ड्रॉप डाली और क्या क्या किया? अनुलोम विलोम किया, अनुलोम विलोम, और ये सब आंवला का जूस ये सब पिया, आँखों के लिए जो आपने उपाय बताए वही सब किया। सब उपाय करके इसकी तो ज्योति लौट आई। ओम स्वामी जी, मैं कोटा राजस्थान से हूँ, मुझे आंसू बहुत निकलते हैं, आंसू और खुजली आंखों। उम्र कितनी है? 28 साल। अब किसी को तो ड्राई आंख, किसी को आंखों में आंसू ही बहुत बनते हैं, ये दोनों बीमारी अलग अलग है।
तो खुजली होके पूरा सूज जाते दोनों आंख। तो जैसे खुजली ठीक कर ली ना माता जी ने, ऐसे आपकी भी ठीक हो जाएगी। दृष्टि आई ड्रॉप डालना और सोम में डाल, एक बार दृष्टि डालो एक बार सोम में डालो, और विकास नहीं वाला मेरा शरीर का, तो सर्वांगासन हलासन और सूर्य नमस्कार करना। वजन भी 40 किलो वजन भी नहीं, उम्र के हिसाब से नहीं हो रहा विकास। उम्र के हिसाब से विकास हो जाएगा। इम्यूनोग्रिड पाउडर खाना, अश्वगंधा शतावर लेना बेटा, और सूर्य नमस्कार 100-100, 200-200 बार करना। सूर्य नमस्कार कितनी बार? 200 बार। हाँ, 10-20 बार से शुरू कर, धीरे धीरे रोज 10-10 बढ़ाता जा। 10 दिन में हो जाएगा 100 बार, तो 20 दिन में 200 बार हो जाएगा, और तेरा शरीर एकदम पूरा स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा, करेक्टर भी अच्छा हो जाएगा। ये मैंने ये तो बॉडी बनाई है ना, ये योग वाली है, जिम वाली नहीं है ये, समझा? हाँ। प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम महावीर है। मेरे आँखों में 1-1.5 नंबर चश्मा आ गया था, और मैंने अनुलोम विलोम करके और दृष्टि आई ड्रॉप डाल के बिल्कुल ठीक कर ली, और मेरी पत्नी के भी ये समस्या थी, वो भी समस्या दूर हो गई, सबकी समस्या। क्या बात है, कैसे हुई है आँख की समस्या? वैसे पढ़ाई भी करता था तो धीरे धीरे आ गई, फिर योग करने लग गया तो मेरी समस्या ठीक हो गई। अनुलोम विलोम खुद की भी दूर कर ली और पत्नी की भी समस्या, पत्नी की भी समस्या दूर कर ली। इसका तो अक्षय तर्पण कराया, श्राद्ध और तर्पण तो बहुत करते हैं हम, अक्षय तर्पण करते हैं। ओम अम्मा। हाँ, स्वामी कोटि कोटि नमन। प्रणाम माँ। मेरे को एक आँख से दिखना बंद हो गया था। हाँ। अब मैंने यहाँ अक्षय तर्पण करवाया। हाँ। तो दूसरे दिन से थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। क्या नाम है माँ? मनोरमा। अरे ये तो जोरदार कम कर दिया, कब से नहीं दिख रहा था माँ? दिक्कत कब से थी कम दिख? एक मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 नवंबर, 6 महीने 7 महीने हो गए थे, आँख से दिखना लगभग बंद हो गया था। अब 2 ही दिन में? हाँ, 2 दिन में दिखने लगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं दिख रहा स्वामी। 2 दिन में शुरू हो गया, रिवर्स गियर लग गया। ये बड़ी बात है। तो कहाँ से आई अम्मा? भोपाल। बस स्वामी जी अभी क्लियर नहीं दिख रहा। दिख जाएगा, अब रास्ता तो मिल गया, मंजिल भी मिल जाएगी जी। जब बेनिफिट होना शुरू हो गया तो अनुलोम विलोम करो, ये इससे होता है। ये रोज ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन करना पड़ता है। करो, सब करो। ठीक है अम्मा, बैठो। ये अनुलोम विलोम तो रामबाण है, छोटी छोटी चीजें हैं। नमस्ते स्वामी जी, मैं मीरा महाराष्ट्र से बोल रही। मुझे 30 मई को कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। मैं कोरोना के बाद 15 दिन के बाद दूर का दिखने में मुझे बहुत दिक्कत आने लगी थी। पहले तो मैं टीवी का अक्षर भी पढ़ रही थी, लेकिन बाद में वो पिक्चर भी मैं ठीक से नहीं देख रही थी। ओहो, तो ये दिव्य दृष्टि और सौम्या ये डाल के, और आंवले का जूस। एक बार दृष्टि डालती थी, एक बार सौम्य। हाँ, एक बार सौम्य और एक बार दृष्टि। अच्छा। और आंवले का जूस पीती थी। ये त्राटक मैंने घर पे नहीं किया, यहाँ पे 20 तारीख को आ गई मैं, तब से मैं यज्ञ में भी समाहित हो रही हूँ और त्राटक भी कर रही हूँ, और अब मुझे आपका चेहरा मैं बहुत अच्छी तरह से देख रही हूँ। पहले देख नहीं पाती थी। नहीं, मेरे घर में तो टीवी इतना नजदीक था, वो भी नहीं दिखता, नहीं दिखता था मुझे, वहाँ का पिक्चर नहीं दिखता था। पढ़ सकती थी, नजदीक की दृष्टि ठीक थी, अभी भी दृष्टि कमजोर पड़ी। हाँ, अभी भी मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन दूर का मुझे बिल्कुल धुंधला सा दिखाई दे रहा था। क्या बात। हाँ, अभी तो आधा 50% से ज्यादा ठीक हो गई हूँ। दृष्टि सौम्य अनुलोम विलोम का। हाँ, और अभी मैं 15 दिन का मैंने यहाँ का एडमिशन लिया है, तो मुझे पता, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई। हाँ। मुझे धुंधला दिखाई देने के बाद मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था वो सिर्फ नंबर बताएंगे, ठीक नहीं करेंगे। तो मैं ठीक होने के लिए तब से 15 जून से मैं ट्राई कर रही थी यहाँ पे आने के लिए, जगह नहीं थी, तो अब आ गई। अब मुझे पता है मैं बाबा जी को स्पष्ट रूप से देख के ही जाने वाली हूँ, तब तक नहीं। चलो, बहुत आशीर्वाद। अब देखो, इतना दृढ़ विश्वास, और एक बड़ी बात कही कि वो बता तो देंगे कि ये प्रॉब्लम है, उपचार क्या है, और डायग्नोज भी। मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, वो खाली जो फिजिकल डायग्नोज करते हैं, आपकी एनर्जी के लेवल को नहीं मापने के कोई भी इक्विपमेंट उनके पास। ओम महाराज, मैं प्रभु राम
छत्तीसगढ़ कांकेर जिला से हूँ। मेरे एक तो प्रभु राम हमने सुने थे, दूसरे प्रभु राम आ गए। जी 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 जी, कभी कभी भक्तों के बीच भी जाना पड़ता है करके आ गए हम। हाँ, तो मेरा क्या है सर, जिस मेरे राइट आँख में जिसको देखता हूँ वही नहीं दिखता है, आजू बाजू दिखता है। अगर उसको हटा देता हूँ उस पल को तो वो दिखने लगता है। तो ये मेरी समस्या थी। तो रायपुर में मैं चार वहाँ के बड़े बड़े जो अस्पताल हैं वहाँ पर दिखाए, तो बोले एलोपैथी का डॉक्टर ने कहा कि इसका एलोपैथी में इलाज नहीं है। ये तो कुछ समझदार, ये मेरे लिए तो बहुत ये लगा कि भाई एलोपैथी का डॉक्टर बोला कि एलोपैथी में इलाज नहीं है, तो फिर अब कहाँ जाऊँ। तो फिर दो ही चीज़ मेरे लिए बचा, एक तो दवा और दुआ। तो दुआ के लिए तो मैंने मंदिरों में भी बहुत जगह गया, और भगवान की कृपा रही होगी कि उनकी ये से प्रेरणा से ही मैं आपके पास आया, और आकर के यहाँ पर मैं बहुत अच्छे ढंग से कर रहा हूँ। तो जो धुंधला सा दिख रहा था, थोड़ा सा उसमें ऐसा लग रहा है कि विजन कुछ बढ़ रहा है। हाँ, ये अक्षय तर्पण करा रहे हो? अक्षय तर्पण भी करवा लिया हूँ सर। नीति सूत्र नीति? जी 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 जी, वो करता हूँ। त्राटक? हाँ, त्राटक भी हो रहा है। तो वैसे मेरे का मामला छत्तीसगढ़ के जो कांकेर जिला है सर, वहाँ के आयुर्वेदिक अस्पताल में 10 दिन तक मैंने अक्षय तर्पण कराया था महात्रिफला घृत से, वहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा था। तो मुझे लगता है कि कुछ रास्ता निकल गया है, नहीं तो डॉक्टर बोल दिए थे इसके अंधा के सिवाय और कोई चारा नहीं। बोले तो अंधा ही होगा, अब तो बिल्कुल अंधा नहीं होगा। तो मैं तो अब ठान लिया हूँ, बाबा जी के पास आ गया हूँ। अब मैं अपनी आँख को बिल्कुल ठीक करने के लिए जो जो उपाय होंगे, वैसे अमल की रसायन मुक्ति सबसे अच्छा। तो प्रणाम स्वामी जी, मुझे मैकुलर डिजेनरेशन हुआ था, और उसके साथ साथ रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस हुई थी, जो कि ऑप्टिकल नर्व जिसमें डेड हो जाती है। ऑप्टिकल नर्व डेड हो गई थी, और हुआ क्या था पूरा आँख से फिर? और मेरी दोनों आँखों की, एक आँख की रोशनी पूरी 100% चली गई थी, एक आँख की पूरी चली गई थी, और दूसरी आँख की रोशनी लगभग 50% चली गई थी। तो बिल्कुल SOS वाली सिचुएशन थी। ICU में मुझे एडमिट किया गया, और उस समय डॉक्टर्स ने कहा कि इमीडिएट स्टेरॉइड देना होगा जिससे कि रोशनी आ सके। तो डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्टेरॉइड दी गई उससे मेरा कंप्लीट रेटिनल डिटैचमेंट ही नहीं, रेटिनल जायंट रेटिनल टीयर हो गया था, माने बुरी तरीके से रेटिना फट गया था। ये लो, रेटिना और फट गया, दवाई की स्टेरॉइड ली, उससे रेटिना और फट गया। फिर उसके बाद में स्वामी जी, सभ्य आदमी इसलिए बोलते हैं डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया था, मतलब उन्होंने तो अपनी अपना जो उनको सीखा वो तो अप्लाई किया उन्होंने, लेकिन वो उल्टा कर गया। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं स्वामी जी, आप जैसे कहते हैं कि जब भी इमरजेंसी होगी तब तो डॉक्टरों के पास जाना ही होगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जाना चाहिए, और वो अच्छा ही करते हैं, उनको जो सिखाया गया उन्होंने वैसा किया। लेकिन उसके बाद में एक के बाद एक प्रॉब्लम बढ़ती गई, लगभग सारी मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई हैं। एक खाली ग्लूकोमा। नाम तो बताओ अपना। मेरा नाम कमोडोर VM स्वामी है, वेंकटेश स्वामी। वेंकटेश स्वामी है, कमोडोर बड़े होदे पर रहे हैं अपने प्रोफेशन में भी। और कितनी कितनी देर किया फिर प्राणायाम, वो तो बताओ। मैंने लगभग 1 घंटा बहुत ज़्यादा नहीं किया स्वामी जी, ईमानदारी के बाद मैं कहूँगा, सवेरे में मैं 1 घंटा करता था, और शाम के टाइम आधा घंटा करता था। और ये प्रेरणा किसने दी? और ये प्रेरणा मुझे TV से हुई थी, उस समय मेरा आपसे परिचय नहीं था, और मैंने कंटिन्यूसली TV पर देखा। मेरी पत्नी ने मुझे प्रोत्साहित किया कि जब डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, रास्ता ही नहीं है, तो ये स्वामी जी बता रहे वो तो कर लो। तो और अब ये, और कितना परसेंट लौट आई है रोशनी? मेरी आंखों की रोशनी 95% लौट आई है। 95% लौट आई है, केवल ग्लूकोमा की वजह से स्वामी जी, साइट का विजन नहीं है। और आज मुझे यहाँ पे आने के बाद में, मैं अपनी पत्नी को बता रहा था, बहुत दूर से मुझे लोगों को पहचानने में दिक्कत होती थी, तो मैं आज कह रहा था कि मुझे वो बोर्ड नज़र आ रहा है, इधर वाला बोर्ड नज़र आ रहा है, अक्षय तर्पण, और यहाँ पर जो सवेरे में आंखें जो धोई जाती हैं, अक्षय तर्पण और त्रिफला से आई वाश, है, उससे भी मुझे बहुत ट्रिमेंडस फायदा हुआ है, ट्रिमेंडस। और अब ये चीजें, पूरी आंख की रोशनी चली गई, वो वापस लौट आई। ये ऐसी बीमारी है जिसको हो जाए ना आदमी घर से बाहर नहीं निकल पाता, ऐसे। इसने पहले दिन मेरे से मिला तो ये, अब तो इसकी आंखें काफी देर तक खुली रही है, अब ऐसे ऐसे ही करे, ऐसे 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 बहुत बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत ये खुद ही बताएंगे। और कब से चल रहा था ये, क्या नाम है ये? बहुत बड़ी बात है ये, और ये कितने लोगों को होगी ये प्रॉब्लम? बहुत कम लोगों, ये करोड़ों में से किसी एक को होती है सर, लाखों में से, लाखों में से किसी एक को होगी।
फिर भी जिसको होती है उसका कोई इलाज नहीं है। कितने साल कब से थी आप? हाँ, मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, डायरेक्टर रिटायर्ड हूँ इंडियन नेवी से। अच्छा। मुझे 2.5 साल से ये, जब मैं शिप बिल्डिंग सेंटर जहाँ न्यूक्लियर सबमरीन बन रही थी उसमें काम करता था। अच्छा, न्यूक्लियर वाले में थे। तो मैं, मुझे ये आंख बंद होना शुरू हुआ। ये क्या बोलते हैं इस बीमारी को? ब्लेफेरोस्पाज्म। हाँ। तो एलबी प्रसाद आई हॉस्पिटल है, उधर मुझे उन्होंने बोटस इंजेक्शन दिया। उसके बाद मुझे रेफर किया एम्स में। एम्स में कहा कि ये आपको ब्लेफेरोस्पाज्म है और इसका जो इलाज है वो बोटस इंजेक्शन है। मैं 2.5 साल से बोटस इंजेक्शन 3-4 महीने में ले रहा था। अब बोटस इंजेक्शन से कोई लाभ तो हुआ नहीं आपको? कोई लाभ नहीं हुआ उससे। बाद में पहले 2 बार लेने से तो कुछ फर्क पड़ा, लेकिन उसके बाद मुझे कोई असर नहीं पड़ा। बहुत मैं ये हो गया, लेकिन मैं स्वामी जी का योग 20 साल से कर रहा हूँ, वो करता रहा तो उससे डिटरेशन उतना नहीं हुआ, पर मतलब अभी खराब हो रहा था लेकिन थोड़ी बहुत कंट्रोल में योग से कर रहे थे। हाँ, तो अभी आके दूसरे दिन ही स्वामी जी से भेंट हुई हमारी, उन्होंने कहा कि लीच लगाओ। लीच लगाई और मेरा आंखें बिल्कुल खुल गई। खुली की खुली रह गई, तो खुली नहीं रही थी। हाँ, तो मुझे इतना ये हुआ कि स्वामी जी के हाथों में बहुत ये है और मैं इतना अभी ये मेरी जिंदगी का पहला पेशेंट है ये ब्लेस पारोस्पाजम का। अब आप कहेंगे भाई आंख बंद ऐसी बार बार बंद होना और फिर उसका खुलना ही नहीं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये वात प्रकोप है, ये यदि आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो वात प्रकोप है। दूसरा, आंखों के और ये सब मसल्स वीक हो गए, वायु का प्रकोप है, आंखों के मसल्स वीक हो गए और यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो गई। अब हमको क्या होता है, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर की प्रेरणा से रोगी को देखते ही समझ में आ जाता है कि इसका ये करना चाहिए। मैंने इसको बोला है कि इसको लीच लगा दो, तो ये हमारे डॉक्टरों ने भी पहली बार ऐसा पेशेंट देखा। किस बिटिया को बोला था मैंने लगाने के लिए? इधर आ, ये छोटी सी गुड़िया है लेकिन बड़ी अच्छी डॉक्टर हो गई है तैयार। क्या नाम बेटा? कंचन। के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। इधर बैठ, ये बहुत अच्छी गुड़िया है। वैसे तो हमारे बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं, सारे के सारे जो है, डॉक्टर पूर्वा से लेकर के डॉक्टर कुमुद से लेकर के सारे, और कौन कौन है भाइयों में, डॉक्टर अनुराग, अंजुल, अमन, सारे डॉक्टर सारे सीनियर हैं, लेकिन सबसे छोटी हाइट की ये कंचन डॉक्टर है, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। लेकिन बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई अब ये, देखने में छोटी सी है ये, कुछ लोग तो जाते हैं इसके केबिन में, ये डॉक्टर है। लेकिन ये जितनी छोटी दिखती है उतनी ही एटम बम की तरह डॉक्टर है ये, जोरदार ताली ठोको इसके लिए। हाँ, बहुत जबरदस्त डॉक्टर है। और जो हम बताते हैं उसको एकदम से जो है ग्रहण कर लेते हैं सारे बच्चे हमारे। रोज मैं इन बच्चों की ट्रेनिंग देता हूँ, तो अभी सारे निष्णात हो गए हैं। माने मुझे जैसे आपको अपने बच्चों पर बहुत गौरव होता है ना, यदि बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, तो मुझे अपने सारे इन डॉक्टर बालकों पर बहुत गौरव है, अपनी औलादों से भी ज़्यादा। औलाद तो एक शरीर संबंध होता है, यहाँ तो इनके साथ हमारे आत्म संबंध है। अब ये हमारे क्या नाम भाई? सुरेश जी, ये पहले पेशेंट है मेरे इस बीमारी के। अब इसके भी पूरे देश में कई हजार पेशेंट हैं और दुनिया में लाखों हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। पहले दिन तो कितना करीब ऐसा इनको लगा कि मेरा तो 100% ठीक हो गया, आंखें एकदम खुल गई, लगाते ही इधर लीच लगी इधर आंखें खुल गई। इनको लगा ये हो क्या रहा है, खुद साइंटिस्ट है, सारी चीजों को समझते हैं, मतलब बहुत काम किया हुआ, इतना बड़ा बड़ा अलग नेवी से डायरेक्टर से रिटायर होना, और वो भी बहुत न्यूक्लियर वाले डिपार्टमेंट से, तो हर चीज़ को जो न्यूक्लियर साइंस को समझता है, रॉकेट साइंस को समझता है, मैंने कोई बात बोलते हैं ना, बोले कौन सा रॉकेट साइंस है कौन सा न्यूक्लियर साइंस है, तो इतनी सारी चीज़ों को देख करके अब इनकी आँखें मैं देख रहा हूँ, अब जा करके कहीं नो अब
ऐसा नाम मात्र का ये देखने से ये लग रहा है कि हाँ कुछ था। अब ये त्राटक भी और वो अक्षितर्पण भी किया। तो जिनको भी ये ब्लेस पारोस्पाजम है वो सारे दुनिया के रोगी आए और 7 दिन में पूरे ठीक होकर के जाए। ये नया रिसर्च आज का। एक और ऐसे ही रोगी दूसरे भी आए हुए आप जैसे ही एक और आए हुए। अब बताओ तुम्हारे लिए लगभग 1 क्विंटल घी का हवन पतंजलि से होता है, इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। देखो 1 क्विंटल से ज्यादा ही होगा पतंजलि परिवार का मिला करके, तो 1 क्विंटल ज्यादा से होता है पूरा हवन। और इसके लिए हम किसी से कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। क्या नाम है? तन्वी। हाँ, इसको तो दूसरी प्रॉब्लम थी। हाँ, इसको तो देखने में बहुत दिक्कत थी। अभी शुरू कर दिया अक्षय तर्पण बेटा? हाँ जी। और लीच भी लगाई? अभी लीच भी लगा लेना। अभी कितने दिन हुए? 2 दिन। 2 ही दिन हुए अभी। मेरे को देख पा रही है? मैं दिख रहा हूँ? क्लियर नहीं अभी, पूरे नहीं दिख रहे। अभी छोटी सी उम्र में इसको मैकुलर डिजनरेशन हुआ है और अब ये 7 दिन लगे या 15 दिन लगे, जब तक इसको 100-200 फीट दूर का नहीं दिखेगा इसको ठीक करके भेजूंगा मैं। इसके माँ बाप निराश, आंखों में आंसू। बैठ जाओ बेटा। ओम स्वामी जी, मैं बिहार से आई हूँ। हाँ। स्वामी जी, 2016 में मेरी आँख की रोशनी, दाहिने आँख की रोशनी चली गई थी और मैं बहुत जगह इलाज करी, कहीं मेरा ठीक नहीं। यहाँ आने से 5 दिन अक्षय दर्पण के बाद मेरे को रोशनी आ गई। सच्ची बोल रहे तो? मेरे आप दिखाई पड़ रहे हो। ये तो जोरदार काम हो गया इसका। क्या नाम है तेरा? उर्मिला कुमारी। उर्मिला बताओ। मैं NTPC में कार्यरत हूँ बाबा जी। हाँ। NTPC बिहार में। आपकी रोशनी लौट आई अब। 5 दिन अक्षय तर्पण कराया, फिर यहाँ जननेति सूत्र नेति कराते, त्रिफला से आवास कराते हैं। और बाबा जी, हमारे ऊपर रिसर्च हो रहा है फियरलेस हॉस्पिटल कलकत्ता में, और 4 स्टेट में ऑप्टिक न्यूराइटिस कोई पेशेंट नहीं है, जो मैं प्रत्येक साल वहाँ जाती हूँ, मेरा रिसर्च होता है, मेरे ऊपर रिसर्च डॉक्टर कर रहे हैं। और मैं चेन्नई, हैदराबाद, सब जगह से मैं रिटर्न हूँ और मैं यहाँ आने का बहुत बार प्रयास किया, नहीं मिला। इस बार मुझे नंबर मिला। जगह नहीं मिलती, क्या करें, 6-6 महीने दे लोगों को। बाबा जी, मेरा घुटना मुड़ नहीं रहा था, आज मैं अच्छा से मोड़ पा रही। नहीं, मैं ऊपर चढ़ नहीं पाती थी, आज मैं दौड़ सकती हूँ बाबा जी। ये तो जोरदार काम कर लिया भाई इसने। उर्मिला के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। तो पूछते तब पता लगता है किसको क्या क्या फायदा हुआ है, तो पता ही नहीं लगता बाबा जी। मैं चलो आशीर्वाद ले लो। अब बताओ, अब इसको तो पूरा ही नया जीवन मिल गया। उम्र कितनी उम्र है तेरी? मेरी 56 साल की उम्र है। मेरे करीब बराबर सी है, लेकिन अब इसका थोड़ा शरीर में कुछ नुकसान आ करके शरीर के अस्थि पुंजर थोड़े नट बोल्ट ढीले हो गए थे, सारे कस दिए इसके। ओम स्वामी जी। ओम। मैं पंजाब नेशनल बैंक से हूँ, दिल्ली में हूँ जी। आपको बहुत फॉलो करते हैं और पिछले 1 साल से तो लाइव जब से आप आए लगे तब से और ज़्यादा मैंने एकदम रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। उससे मेरा कोई एलोपैथिक दवाई सब छूट गया, मेरा कोई दवाई खाने का नौबत ही नहीं आया है और पूरा BP शुगर कुछ भी मैंने नहीं होने दिया, हमने अपने आप को रोक के रखा है। और आंखों में भी ना, हमको कंप्यूटर में काम ज़्यादा रहता, सुबह से शाम तक कंप्यूटर में काम करते हैं। तो यहाँ जैसे आया तो आई वॉश करवाया, फिर त्रिपला से आईवास, त्रिफा आईवास और अक्षय तर्पण से उदरवास हो जाता है। वो सब करने के बाद एकदम आंख का ना एकदम इतना तेज अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत स्पष्ट दिख रहा हर चीज़। और दूसरी चीज़ मेरे को ना सबसे बड़ा समस्या था, घुटनों में दर्द चालू हो गया और खटपट आवाज़ आने लगा। तो यहाँ जैसा खटपट की आवाज़ आती है फिर? हाँ स्वामी जी। तो यहाँ जो बने जानू बस्ती जैसे करवाया, 3 दिन हुआ एकदम दर्द पूरा गायब हो गया, ऐसा लग रहा पूरा फिट हो गया और घुटने का पूरा समस्या मेरा खत्म हो गया। अनीता सिरोही, मैं मोदी नगर से आई हूँ, दिल्ली के पास है। और मैंने भी अलोम विलोम करके कई बार, और जो आपने कई ये बताए हैं नुस्खे, उसको से करके और अपनी आँखों की दृष्टि थोड़ी
कम कर, मतलब चश्मा उतर गया मेरा। चश्मा उतार लिया? हाँ जी। उम्र कितनी है बहन आपकी? मेरी 58 एज है। लो, मैं वैसे भी टीचर हूँ इंग्लिश की। फी टीचर है बताओ? हाँ जी। तो और मैंने योग करके थोड़ा आपकी दृष्टि भी डाली है काफी टाइम तक। हाँ। और अपने आँखों का चश्मा उतार लिया है। तो बड़ा काम कर लिया आपने। हाँ, 58 की उम्र में। स्वामी जी नमस्कार, नमस्कार। ओम। स्वामी जी, मैंने एक बार जैसे शुरू में व्हीकल लिया था तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दिया तो उन्होंने कहा तेरे को चश्मा चढ़ेगा दूर का, तो दूर का चश्मा जो है ना जी चढ़ गया। फिर धीरे धीरे आपसे जैसे टीवी में आपका देखा ना जी प्रोग्राम सारा, फिर जुड़ गए और उसके बाद फिर जो है ना जी चश्मा धीरे धीरे उतर गया जी। अब मैं रात को भी बिना चश्मे के गाड़ी चलाता हूँ जी, और नज़दीक का तो मैं कभी लगा ही नहीं मेरे को जी। अब जो है पहले तो दिन में नहीं चला सकते थे, अब रात में भी बिना चश्मे, रात को बिना चश्मे गाड़ी चलाता हूँ। क्या नाम है? 63 साल उम्र है। नाम क्या है आपका? मेरा सतवीर कौशिक है जी, हांसी से आया हूँ। हांसी से? हिसार के पास है हांसी जी, और BSNL में SDO रिटायर आया हूँ जी मैं। और कभी भी कागजों का बहुत काम किया, कंप्यूटर भी किया, कभी चश्मा नहीं चढ़ा जी। रिटायरमेंट के बाद तो जो है ना योग अभी बहुत भी मैं, जैसे आपने पढ़ाया ना बोतल पे ये दवाइयों का नाम, ये मैं पढ़ सकता हूँ बिना चश्मे के। और जिंदगी में कभी चश्मा नहीं लगेगा जी, क्योंकि योग नहीं छोड़ा जी जब से आपसे जुड़े। ये बात है, योग नहीं छोड़ेंगे। एक दफ्तर में कहने लगा क्या अब भी योग करता है? मैं कहा जब तक सांस रहेगा जब तक करूंगा। अब बताओ लोग बावड़े बोले अब भी योग करता रहा, अभी तो करने का टाइम बुढ़ापे में, माने 60 के बाद तो जरूर योग करना। एक बात कहूं स्वामी जी, मेरे आप तो बूढ़े लगे नहीं रहे। नहीं बुढ़ा मैं 75 के बाद मानता हूं बुढ़ापा। ये बात ठीक है। और दफ्तर में कहने ना 75 नहीं तो 75 का हो जाएगा, तब 90 के बाद मानेगा। देखो जी क्या होगा। बाकी दफ्तर में हंसने लगे, कह लगे ये तो रामदेव है हंसी का। ये ठीक है, सीधा नाम काट दिया मेरा। नाम काट दिया, बढ़िया किया तेरा। मैं कहा भाई कुछ भी कह लो मैं योग कौन छोड़ूं। ना ना छोड़िए मत, बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी ओम। मकर आसन भुजंग आसन कर लो। हाँ जी। मेरी आंखों में मोतियाबिंद और ग्लैकोमा है। अच्छा। और पूरा ऐसा आंखों के सामने काले काले बूंद ऐसे घूमते थे, तो अक्षितार्पण मैंने 7 दिन लिया हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा साफ एकदम दिख रहा है। वो काले काले जो टिपके दिखते वो भी पूरे बंद हो गए। अच्छा। हाँ। 7 ही दिन में? 7 दिन में। क्या नाम है? शेखर परमार। शेखर? शेखर। कहाँ से हो? मैं अकोला महाराष्ट्र। अकोला से। तो ग्लूकोमा था? हाँ ग्लूकोमा प्लस कैटरेक्ट। ग्लूकोमा और कैटरेक्ट दोनों? दोनों है। हेलो। एक साथ? हाँ। अब बस ये अक्षय तर्पण किया। हाँ। और त्रिफला से आईवास किया, जल नीति किया। हाँ। त्राटक भी कर रहे हो? और वो रात में अपने वो शाम में जो देते वो भी करवाते हैं। एनिमा देते हैं ना, आई ग्रेड वगैरह से। क्या पूरा नाम क्या है? शेखर परमार। शेखर परमार। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरा दिन भर काम लैपटॉप पे ही रहता है, तो इस वजह से काफ़ी आंखों से पानी वगैरह आता था, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। पर योगा जब से स्टार्ट करा है मैंने, अभी मुझे लगभग 3 महीने हो गए, तो काफ़ी बेहतर आराम मिला है। आंखों में फायदा? और क्या फायदा हुआ? और मेनली मेरे गले में बहुत खिचखिच रहती थी, बट आजकल मैं यहाँ पे भी ऐसे घूम रहा हूँ ठंड में, तो बिल्कुल खिचखिच का नामो निशान नहीं है, तो काफी अच्छा फायदा पा लिया। हाँ, और बाकी बॉडी तो है ही, बाकी माइंड में भी काफी इम्प्रूवमेंट। बॉडी माइंड सोल के लिए है योग तो। तो शीर्षासन जे करी सके, शीर्षासन करी लेवानो, जेम हमारा योगाचार्य करी रहा छे, सर्वांगासन करी लेवानो। शीर्षासन सर्वांगासन ए बधाने करवानो छे, अने जे ए नहीं करी सके एनो अनुलोम विलोम करी लेजो।